सर्दियों का सीजन जाने वाला है और हमारी हरी मटर भी अब जाने वाली है, तो क्यों ना हम एक चटपटा सा इसका नाश्ता बना के खाएं। और बहुत ही अच्छा लगता है और मटर हमारे लिए फायदेमंद भी बहुत होती है। तो ये हमने लिए हैं कुछ मसाले, ये है धनिया पाउडर, ये है सफेद नमक, ये है हींग, ये है भुना जीरा और ये है सौंठ का पाउडर जरा सा दो चुटकी, ये है चाट मसाला, ये है काला नमक और ये है थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, और ये है चार पांच हरी मिर्च जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है, और ये है हमारी धुली हुई मटर, और ये है एक बड़ा प्याज जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये है एक छोटा चम्मच जीरा। तो चलिए हम बनाते हैं आज मटर की चटपटी सी चाट और चलते हैं अब गैस की तरफ। तो सबसे पहले हम इन सारे मसालों का एक घोल तैयार करेंगे। इन सारे मसालों को हमें एक घोल के रूप में तैयार कर लेना है, घोल लेना है। कढ़ाई में हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो घी भी डाल सकती हैं, मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम डालेंगे जीरा और उसके बाद डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज हमारा भुन गया है, हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब हमने जो मसाला घोल के रखा है उसको ऐड करेंगे, इसको भूनेंगे अच्छे से। दो चम्मच मसाला वाली कटोरी में पानी डाल के ऐड कर देंगे, मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं और जले नहीं। धुले हुए मटर ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसालों में। अब हमें केवल इतना पानी ऐड करना है कि बस हमारी मटर जो है सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। बस हमने यहाँ पे दो चार चम्मच केवल पानी ऐड किया है। गैस को कर देंगे स्लो फ्लेम पे और इसको ढक देंगे। दो से तीन मिनट के बाद हमने बीच में एक बार इसको चला दिया है और फिर से ढक दिया है वापस। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है 10 मिनट के बाद और हमारी चाट जो है चटपटी सी बन के रेडी हो चुकी है। और मैं इसको अब सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ और चलिए चलते हैं नाश्ता करने। तो हमारा चटपटा सा मटर का नाश्ता रेडी हो चुका है और चलते हैं एंजॉय करने। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।